हेलो दोस्तों, अगर आपकी भी पोटला का प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, अगर जो फ्लावर है वो आ रहे हैं वो भी कम मात्रा में आ रही हैं, तो आज मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो मेरे ये पोटला का प्लांट है, इनके फ्लावर हो रहे हैं बट काफी कम मात्रा में आ रही है, और जो फ्लावर है ये जो खिल के स्पेंड हो चुके हैं, वो जो प्लांट में है स्टेम में चिपक गए हैं, तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इतने ब्यूटीफुल प्यारे से नहीं लग रहे हैं। तो इनमें आज मैं काम करने जा रही हूँ जब तक कि जो मेरा फ्लावरिंग प्लांट है अच्छे से फिर से फ्लावरिंग पे आ जाए। ये जो काम करना है दोस्तों, ये मानसून आने से पहले करना है, और इसका रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगी। 3 दिन के बाद में इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है। तो जो काम करना है दोस्तों, अपने प्लांट में 4 से 5 इंच तक का छोड़ के आप सारे प्लांट को ट्रिम कर दीजिए, ऊपर से कट कर दीजिए, अच्छे से कट कर दीजिएगा, और इनमें कलियां नहीं रहनी चाहिए और ना ही फ्लावर रहनी चाहिए, तो इनकी पूरी अच्छे से हाफ मतलब हाफ इनकी प्रून कर दें। और आज है दोस्तों, आज है 13, तो यहाँ पे देखिए मेरे जो पॉट में 3 प्लांट लगे हुए हैं, और तीनों को मैं अच्छे से प्रून हाफ प्रून कर चुकी हूँ, और ये जो कटिंग हमारी बच रही है जो निकल रही है इनसे, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम अलग से लगा लेंगे, तो इनमें भी अच्छे से ग्रोथ आ जाएंगी, और हमारे पास बहुत सारे जो पोर्टुलाका के प्लांट हैं वो रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, प्रून करके हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इनमें एक चीज हम डालेंगे, वो है कॉफी पाउडर। आपके पास कॉफी पाउडर है तो कॉफी पाउडर लीजिए। जो ये मेरा गमला है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इनमें जो कॉफी पाउडर के जो छोटे से पैकेट आते हैं, ये 2 पैकेट लग जाएंगे। तो ये देखिए, ये है, कोई भी कॉफी पाउडर लेके आप डाल सकते हैं इसमें। तो लेके हल्के से बस डायरेक्टली आप सॉइल में इनको स्प्रिंकल कर दीजिए, उसके बाद हल्की बहुत इनको मैं गुड़ाई करके जो सॉइल में कॉफी पाउडर है उनको मिक्स कर दीजिए। अगर आपका पॉट 8 इंच का है तो इसमें जो 1 टीस्पून कॉफी पाउडर लग जाएगा। ध्यान रखिए, जो छोटी चाय की चम्मच आती है उनसे देने हैं आपने, बड़ी चम्मच से नहीं देने। उसके बाद आपने सिंपल सा इनमें वॉटरिंग कर दे, उसके बाद छोड़ दे, तो आप देखेंगे 2-3 दिन में ही इनका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो कटिंग इकट्ठे हुई हैं, देखिए इतने सारे कटिंग मेरे हो गए हैं, जो इनमें जो 3 कलर इकट्ठे लगे हैं, तो बाकी जो स्पेस है मेरे पास, जो ये तसले लगे हैं, इनमें मैं सारी कटिंग वेस्ट नहीं करूंगी, सारी कटिंग इनमें लगा दूंगी, ताकि ये गमला है ये कंटेनर मेरा अच्छे से फिल हो जाएगा, और जब ये फ्लावरिंग पे आएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे देखने में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कंटेनर में ये बकेट है, इनमें ये कटिंग लगाए हुए मुझे 1 वीक से ज्यादा हो गया, और ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, आज है 16 तारीख और ये देखिए रिजल्ट, ये मेरा बकेट बिल्कुल ही मतलब इतना फील नहीं हुआ था, और 3 दिन के अंदर में ही ये बकेट पूरा फील हो गया है, बिकॉज जो बारिश की बूंदे हैं ये हमारे एरिया में 3 दिन से लगातार थोड़ी बहुत हो ही रही है। तो ये देखिए, ये जो मैंने ट्रिम किया था, जो हाफ प्रून कर दिए थे अपने पोर्टुलाका के प्लांट, तो इनमें देखिए इनमें न्यू ग्रोथ आ चुकी है, और इनमें जो बर्ड हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ये देखिए बनाना के जो छिलके होते हैं ड्राई करके मैं ऐसे ही पॉट के साइड में रख देती हूँ, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको पास से दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इनमें जो न्यू ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है। जहां से हमने कट किए हैं वहां से 3-4 ब्रांचेस इनके निकलेंगे, और इसकी वजह से जो इनमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी है वो काफी बढ़ जाएगी, और बहुत सारे बर्ड प्रोड्यूस होंगे, और हमारा प्लांट जो है, हमारा जो गमला है वो फूलों से भर जाएगा हमारा गमला। तो दोस्तों, अभी भी बहुत टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्री मानसून ही आया है, तो ये आपको बस 3 दिन या 1 हफ्ते तक आपको जो इनके फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब उनके बाद जो इनमें कलियां आएंगी भर भर की आएंगी, और आपका जो पॉट है फूलों से भर जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ये जो पोर्टुलाका है काफी अच्छे से ग्रो करता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है काफी फास्ट होती है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे, अगर लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो, और लाइक शेयर जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।